नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 10 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। कोटा देहात एसीबी की टीम ने 12 जिले के अट्रू कस्बे में घुसकर पटवारी को ट्रैप किया है। आरोपी पटवारी जगदीश कुमार चारागाह जमीन पर पेड़ काटने के झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 25,000 की रिश्वत मांग रहा था। 5,000 की रिश्वत ले चुका था। अटरू तहसील में 20,000 की रिश्वत लेते कोटा देहात एसीबी की टीम ने दबोचा। मामले में तहसीलदार की भूमिका भी संदिग्ध मिली है। फिलहाल एसीबी की टीम जांच पड़ताल में जुटी है। एसीबी एडिशनल एसपी कोटा देहात प्रेरणा शेखावत ने बताया कि परिवादी पवन ने एसीबी में शिकायत दी कि पटवारी व तहसीलदार मिली भगत करके झूठे केस में फंसाने की धमकी देकर 25,000 की डिमांड कर रहे थे। शिकायत के सत्यापन के बाद परिवादी 20,000 की रिश्वत देने तहसील पहुंचा, पटवारी को 20,000 दिए और एसीबी की टीम ने पटवारी को पकड़ लिया। भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण ने जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट, जूनियर एग्जीक्यूटिव और अन्य पदों पर नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन मांगे हैं। आवेदन प्रक्रिया चल रही है। योग्य उम्मीदवार इन रिक्तियों के लिए आधिकारिक वेबसाइट aai.aero पर 4 सितंबर 2023 तक आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती अभियान का लक्ष्य कुल 342 रिक्तियों को भरना है। उम्मीदवारों को आवेदन शुल्क के रूप में ₹1,000 का भुगतान करना होगा। हालांकि SC ST PWD उम्मीदवारों, प्रशिक्षुओं जिन्होंने AAI महिला उम्मीदवारों में प्रशिक्षण का 1 वर्ष सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, उन्हें शुल्क के भुगतान से छूट दी गई है। उम्मीदवारों की आयु सीमा जूनियर असिस्टेंट, सीनियर असिस्टेंट के लिए 30 वर्ष जबकि जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए 27 वर्ष आयु होनी चाहिए। धौलपुर जिले के विशेष न्यायालय पोक्सो कोर्ट ने दिहौली पुलिस थाने में साल 2021 में दर्ज हुए 15 वर्षीय दलित नाबालिग के साथ रेप के प्रयास के मामले में एक दोषी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा सुनाई है, साथ ही ₹45,000 का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक संतोष मिश्रा ने बताया कि महिला ने 25 मार्च 2021 को रिपोर्ट दी कि 24 मार्च 2021 को उसकी 15 वर्षीय नाबालिग बेटी घर के पास खेत में गई थी। नाबालिग के चिल्लाने की आवाज सुनकर वह खेत पर दौड़कर पहुंची तो आरोपी रामफुल उसे देखकर भाग गया। बेटी ने घटना के बारे में जानकारी अपनी माँ को दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर अनुसंधान के दौरान रामफुल सिंह को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। विश्व आदिवासी दिवस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी राजस्थान के मानगढ़ धाम पहुंचे। सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आदिवासी भारत के पहले मालिक हैं। यह जो हमारी जमीन है जिसे आज हम भारत कहते हैं, यह जमीन आदिवासियों की जमीन थी। यह मुझे मेरी दादी इंदिरा गांधी ने बताया है, लेकिन भाजपा आदिवासियों को आदिवासी नहीं वनवासी कहती है। यह आदिवासियों और भारत माता का अपमान है। वही चुनावी साल में सीएम अशोक गहलोत ने राजस्थान में जातिगत जनगणना करवाने की घोषणा की है। साथ ही ओबीसी आरक्षण 21 से बढ़ाकर 27% करने और मूल ओबीसी के लिए अलग से 6% आरक्षण करने की घोषणा की है। गहलोत बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में विश्व आदिवासी दिवस पर हुई सभा में बोल रहे थे। राजधानी जयपुर के खास कोठी इलाके में स्थित होटल में विदेशी किशोरी को जबरन फोटो लेने का मामला सामने आया है। किशोरी और उसके परिजनों ने होटल स्टाफ को शिकायत की तो मामला पुलिस तक पहुंचा। विधायकपुरी थाना में विदेशी किशोरी ने अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। प्रारंभिक जांच में होटल के सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस ने जांच पड़ताल के दौरान 3 संदिग्ध मोबाइल भी जब्त किए हैं। थानाधिकारी अमर सिंह रत्नू के अनुसार 14 वर्षीय विदेशी किशोरी अपने परिवार के साथ जयपुर घूमने आई थी। वह अपने परिवार के साथ खासा कोठी इलाके के होटल में रुकी थी। उसने आरोप लगाया है कि वह जब होटल के स्विमिंग पूल के पास सनबाथ चेयर पर सनबाथ ले रही थी, इस दौरान कुछ लोग उसकी फोटो लेने लगे। मना किया तो भी नहीं माने। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। छात्र संघ चुनाव को लेकर असम जस की स्थिति है। पिछले साल सरकार ने 29 जुलाई को ही छात्र संघ चुनाव का ऐलान कर दिया था। वह इस बार अभी तक छात्र संघ चुनाव को लेकर कोई अधिसूचना जारी नहीं हुई है। इसके बाद अब छात्र नेताओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र नेता विनोद भदौली ने कहा,
राजस्थान सरकार बेवजह छात्र संघ चुनाव में देरी कर रही है ताकि आखिरी वक्त पर आचार संहिता का हवाला देकर इन्हें टाला जा सके। ऐसे में अगर सरकार ने कल तक छात्र संघ चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं किया तो 10 तारीख से राजस्थान यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर भूख हड़ताल पर बैठ जाऊंगा। सरकार ने हमारी मांगों को पूरा नहीं किया, हम मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे, राज्यपाल आवास का घेराव करेंगे, उग्र आंदोलन करेंगे, हर कीमत पर छात्र संघ चुनाव करवाकर ही दम लेंगे। भरतपुर जिले में कृपाल कुलदीप हत्याकांड से चर्चा में आए ग्राम जगीना में एक भाई ने अपने ही सगे भाई को गोली मार दी। फायरिंग में युवक की मां भी जख्मी हो गई। ऐसे में दोनों मां बेटे को आरबीएम अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। सूचना पर एसपी मृदुल कछवाहा समेत पुलिस के आला अधिकारी अस्पताल पहुंचे। एसपी ने बताया कि राकेश नाम के युवक के सीने में गोली मारी गई है। घायल को आरबीएम जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। प्रथम दृष्टया सामने आया है कि राकेश को उसी के सगे भाई आदित्य ने गोली मारी है। घायल युवक राकेश की मां भी फायरिंग के दौरान घायल हो गई। घायल की मां ने बताया कि दोनों भाइयों में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। झगड़े के दौरान अवैध कट्टा से फायर हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जयपुर में ब्लैकमेल कर दो भाइयों द्वारा महिला से रेप करने का मामला सामने आया है। महेश नगर थाने में 35 साल की महिला ने रिपोर्ट दी कि साल 2018 में वह पति के साथ जयपुर आई थी। आरोप है कि उसी मकान में किराएदार पड़ोसी से उनकी बातचीत थी। पति जॉब के चलते 5 से 6 दिनों तक जयपुर से बाहर गए। आरोपी पड़ोसी रात के समय उसके लिए चाय लाया, नशीले चाय पिलाकर बेहोशी की हालत में अपने कमरे में ले गया और रेप किया। न्यूड वीडियो भी बना लिए। सुबह होश आने पर विरोध करने पर वीडियो दिखाकर चुप करवा दिया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर देश रोशन करने लगा। इसी बीच आरोपी के भाई ने खुद के मोबाइल में उसका वीडियो दिखाया और वायरल करने की धमकी देकर दूसरा आरोपी भाई भी देश रोशन करने लगा। पुलिस मामले की जांच कर रही है। कोटा जिले के रामगंज मंडी के सुकेत कस्बे में गैस गोदाम के पास मकान पर आरसीसी की छत डालते समय युवक की मौत हो गई। दरअसल काम करते समय युवक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। झटका लगने से वो 12 फीट ऊपर से गिर गया, जिससे युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हेड कांस्टेबल सुभाष ने बताया कि 22 वर्षीय मोहम्मद परवेज निवासी हाट चौक गैस गोदाम के पास स्थित एक मकान पर आरसीसी की छत डालने का काम कर रहा था। छत से थोड़ी ऊपर निकल रही 11,000 KV बिजली की हाई टेंशन लाइन की चपेट में आ गया। लाइन की चपेट में आने से युवक छत से सिर के बल नीचे आ गिरा, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। परवेज के पिता अशफाक ने घटना की रिपोर्ट दी, जिसकी जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले के धम्बोला थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण और उसके साथ रेप के मामले में फरार चल रहे 20,000 के इनामी आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी 1 साल से फरार चल रहा था। थाना अधिकारी राकेश कटारा ने बताया कि पीड़िता के पिता ने 3 सितंबर 2022 को रिपोर्ट में बताया कि गुजरात के मेघरेज निवासी महेश डामोर उसकी नाबालिग का अपहरण कर ले गया था। पुलिस ने नाबालिग को डिटेन किया, लेकिन आरोपी फरार हो गया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि आरोपी महेश उसे फुसलाकर गुजरात ले गया और रेप किया। एसपी ने आरोपी पर 20,000 रुपये का इनाम घोषित किया था। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने आरोपी महेश को गिरफ्तार कर लिया। जोधपुर ग्रामीण पुलिस ने सूने मकानों को निशाना बनाने वाले गैंग का पर्दाफाश किया है। इस गैंग के 2 शातिर बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़े हैं, जिन पर 30 से ज्यादा चोरी के प्रकरण चल रहे हैं। ग्रामीण धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि घटना में प्रयुक्त बाइक व चोरी किए गए सोने चांदी के आभूषण तथा 10,400 रुपये की नकदी बरामद की है। दरअसल बिलाड़ा थाने में जगदीश नाथ ने रिपोर्ट दी कि वह अपने परिवार के साथ रामदेवरा दर्शन के लिए गए थे। पीछे से चोरों ने मकान के ताले तोड़कर कमरे में रखे लाखों रुपए के सोने चांदी के जेवरात और नकदी चोरी कर ली। पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू की। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर सांवराम बावरी निवासी थाना और मुन्नाराम बावरी निवासी आनंदपुर कालू को गिरफ्तार किया गया है। सांवराम के विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 12 प्रकरण चोरी लूट नकबजनी हत्या के दर्ज है। मुन्नाराम के विरुद्ध विभिन्न थानों में कुल 19 प्रकरण चोरी लूट नकबजनी हत्या के प्रयास के दर्ज हैं।